फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को कक्षा 10 के गणित का जो पेपर है फ्रेंड्स, इस पेपर का यहाँ पे संपूर्ण हल कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में इस प्रश्न पत्र को हल करके ज़रूर जाइएगा। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न पत्र मिलेगा तो आपको एक कोड लिखा रहता है 822DB। फ्रेंड्स, यहाँ पर गणित का संपूर्ण पेपर हल कराएंगे। फ्रेंड्स, जब भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसमें इसके पूर्णांक दिए रहता है कि आपका पूर्णांक टोटल कितने नंबर का है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा तो यहाँ पूर्णांक कितने नंबर का है, 70 नंबर का है। फ्रेंड्स, अब देखिए, आपको जो प्रश्न पत्र हल करना है 3 घंटा 15 मिनट में हल करना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो रहेंगे परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, 15 मिनट तक आपको प्रश्न पत्र पढ़ना रहता है। फ्रेंड, जब भी आप प्रश्न पत्र को हल कीजिएगा तो हल करने से पहले इसके कुछ मुख्य निर्देश दिए रहते हैं। फ्रेंड्स, तो आप मुख्य निर्देश जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इसलिए कि आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय होता है, तो 15 मिनट तक आप इस प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें कौन सा प्रश्न करना है, कौन सा प्रश्न नहीं करना है। फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर आपको निर्देश बताते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, जितने भी प्रश्न दिया रहेगा सबको आपको हल करना जरूरी है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न पत्र में खंड अ और ब दो खंड रहेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बताया खंड अ जो है उसमें एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 20 को बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जो प्रत्येक एक नंबर का रहेगा। इसका जो उत्तर देना है फ्रेंड्स, आपको OMR शीट मिलेगा, उस पर इसका उत्तर देना रहेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद कहा है कि जो OMR शीट होगा उस पर आप उत्तर यदि अंकित कर देते हैं, अंकित करने के बाद उसे आपको काटना नहीं है, न इरेजर का प्रयोग करना है, न वाइटनर का प्रयोग करना है। ठीक है, इसीलिए जब OMR शीट भरिएगा फ्रेंड्स तो ध्यानपूर्वक भरिएगा, एक बार भरने के बाद उसे दोबारा काटना नहीं रहता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले निर्देश को बताते हैं आपको। फ्रेंड्स देखिए, अगला निर्देश क्या है कि जो खंड ब है, खंड ब में जो 50 अंक का विस्तृत आपको उत्तरी प्रश्न रहेगा ना। अब इसमें क्या है कि इस खंड में कुल कितने प्रश्न रहेंगे, जो खंड ब रहेगा 5 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने, इसीलिए फ्रेंड निर्देश को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। आपको 4 प्रश्न कहीं कहीं दिया रहेगा तो उसमें से आपको 3 करना रहेगा, 1 छोड़ना रहेगा, अथवा में करके देगा, तो ये सब ध्यान देना रहता है, इसलिए निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखिए अगला है, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए, यानी कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का रहेगा वो भी आपको सामने लिखा रहेगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आए उसे स्पष्ट समय नष्ट न करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ कहने का मतलब है कि आप एक से स्टार्ट कीजिएगा और लास्ट तक करते चले जाइएगा, जो प्रश्न नहीं आएगा उसको आप छोड़ दीजिएगा ना, उसे बाद में करना रहता है, उस पर समय आपको बर्बाद नहीं करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, इस तरह काटना रहता है उसको काट दिया कीजिए। ठीक है, रफ कार्य है और उस पर ऊपर लिख भी सकते हैं कि रफ कार्य है। अब फ्रेंड्स यहाँ भी देखिए, अगला निर्देश आपका क्या है कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएँ न मिटाएँ, बार बार आपको मिटाना नहीं रहता, यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संचिन्ह अवश्य लिखें। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए, बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और शुद्ध माने जाएंगे। फ्रेंड्स ये इसके निर्देश थे। अब जब भी किसी भी प्रश्न को पत्र को हल कीजिएगा तो उसके सम्मुख जो निर्देश रहेंगे फ्रेंड्स उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट होता है खंड अ, जिसमें आपको क्या है टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, एक नंबर का रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि पहला प्रश्न आपका है, देखिए क्या है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पढ़ाते समय बार बार बताया है कि जब धन पूर्णांक हो तो इसमें होता है कि इसका जो फार्मूला मेन होता है क्या होता है कि पहली संख्या क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ये होता है इसका मेन फार्मूला। अब देखिए इसमें ये तो मेन फार्मूला है, अब इसमें ऑप्शन में देख लीजिए फ्रेंड्स ए गुणे बी दिया कहाँ है, जब ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ए गुणे बी दिया है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे लसा दिया है, मसा तो दिया नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा ना। इसके बाद ए गुणे बी यहाँ पे दिया है, इसमें मसा भी है और लसा भी है, गुणा का चिन्ह भी है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं।
देखिए फ्रेंड्स आपका दूसरा नंबर का है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि आप इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है, तो आपको सिर्फ हिंदी वाला ही करना रहता है पेपर में, ठीक है। देखिए यहाँ दूसरा नंबर का हिंदी में क्या लिखा है कि एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन दिया प्राकृतिक होगा, अपरिमेय होगा, परिमेय होगा या पूर्ण संख्या। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो शून्यतर परिमेय संख्या होता है यदि एक अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमेशा सदैव क्या होता है अपरिमेय संख्या ही मिलता है। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स दूसरे प्रश्न को इंग्लिश में दिया है तो इसको आपको छोड़ देना रहता है, आप सीधे हिंदी वाला ही प्रश्न आपको हल करना रहता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर का आपका प्रश्न क्या है। यहाँ पे दिया है कि यम का मान दिया है 5, यन का मान दिया है यम प्लस 7, तो आपको कड़ी में यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का मान बताना है। तो फ्रेंड देखिए यम का मान आपको पता है तो यन का मान पता कर लीजिए। देखिए यन बराबर क्या है, यम की जगह 5 रख लीजिए और प्लस 7 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 5 12। अब देखिए फ्रेंड इसका मान ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, कड़ी बनाएंगे, यम की जगह कितना रखेंगे 5 5 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस यन की जगह कितना है 12, तो 12 की स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर करेंगे 5 की स्क्वायर 25 होगा और 12 की स्क्वायर 144, और जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169। 169 किसका वर्गमूल होता है फ्रेंड्स, तो आपको पता है 13 का। देखिए आ गया 13, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको हल करके सिर्फ आपको क्या करना है कि जो आपका OMR शीट रहेगा उसी OMR शीट पे इसको भरना रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फ्रेंड्स तीसरे नंबर के सवाल तो हो गया आपका, अब चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर का क्या है आपका कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होगी, यानी कोई परिमेय संख्या है उसके समतुल्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है। देखिए परिमेय संख्या मतलब होता है पी अपान क्यू के रूप में, जैसे पी अपान क्यू के रूप में लिखना, जैसे 2 / 3 है ये एक परिमेय संख्या है, इसी के समतुल्य कर आए कितनी परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे आप याद रखिएगा कि अपरिभाषित होता है, मतलब अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स अनंत, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया अपरिभाषित ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, इसलिए इसका आसपास डी वाला हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये इसी प्रश्न को इंग्लिश में लिखा है तो आपको हिंदी में करना है। चलिए अगले नंबर का सवाल को देखते हैं। देखिए पांचवा नंबर का सवाल क्या है फ्रेंड्स, a1x + by b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 दो रैखिक समीकरण है, यदि इसमें कंडीशन दिया है कि a1/a2 हो बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी कंडीशन है, ये रेखाएं समांतर होगा, रेखाएं संपाती होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का आप सही से जवाब याद रखिएगा कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहता है तो ये रेखाएं संपाती होता है, जिसका सही जवाब बी वाला होगा। फ्रेंड संपाती का मतलब होता है जैसे एक रेखा है, ठीक है, इसी पे आप क्या करेंगे दूसरी रेखा, जैसे ए बी एक रेखा है ना, दूसरी रेखा भी इसी पे बन जाए, मान लीजिए कि सी डी भी इसी पे हो, तो एक दूसरे क्या हो गए संपाती हो जाएंगे। तो संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ये रेखाएँ होती है, ठीक है, इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अब देखिए इसी का इंग्लिश दिया है, चलिए आपको अगले प्रश्न छठवां नंबर का देखिए क्या है, उसको कैसे हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स छठवां नंबर का है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो संख्या होगी। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार के सवाल को आपको कैसे लगाना है, यहाँ पर पहले देखिए जब भी संख्या देते हैं, मान लीजिएगा माना संख्या क्या है आपका, संख्या यक्स है, तो कह रहा है 1/3 भाग, यानी यक्स का 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, यक्स में 1/3 के 3 का भाग दे देंगे, यानी यक्स 1/3 का मतलब होता है जो संख्या टोटल रहे उसमें 3 का भाग दे दीजिए, इसका 1/3 भाग किसके बराबर 21 के, तो यहाँ पे 21 लिख लीजिए। यक्स का क्या होगा, हल कर लीजिए 3 का 21 में गुणा करेंगे कितना होगा 63, यक्स का मान कितना हुआ आपका 63, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को लगाना था। अब देखिए फ्रेंड्स आपका अगला नंबर सातवां नंबर का देखिए सवाल क्या है और कैसे इसको हल करेंगे। सभी सवाल फ्रेंड्स आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इस प्रश्न पत्र को आप जरूर हल करके जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए क्या है कि यदि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 2x - p बराबर 0 का एक मूल क्या है -2 है, तो यहाँ पर पी का मान कह रहा है। देखिए मूल का मतलब होता है जो यहाँ पे यक्स दिया है फ्रेंड्स ना, वही यक्स का मान दिया रहता है, यहाँ पे यक्स का मान दिया रहता है, तो इसका मतलब यक्स का मान -2 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे जो है यहाँ पे यक्स की जगह -2 रख लीजिए, यक्स जहाँ पे है वहाँ पे कितना रखना है -2, तो -2 रखिए, -2 का स्क्वायर कर लीजिए, +2 गुणे
एक्स की जगह आप कितना रखेंगे, माइनस दो रखेंगे, और माइनस पी बराबर क्या है, जीरो। देखिए दो का स्क्वायर करेंगे तो ये पता है कि चाहे माइनस हो चाहे प्लस, इसका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है। देखिए दो का दो में करेंगे, दो दुना के चार, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस हो जाएगा, और माइनस पी बराबर जीरो। देखिए चार में से चार हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो माइनस पी बराबर जीरो, तो पी बराबर कितना हो जाएगा आपका, जीरो होगा। देखिए कितने सिंपल तरीके से सवाल लग गया, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स आठवां नंबर का सवाल आपका क्या है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इन त्रिभुज होंगे, मतलब त्रिभुज कौन सा होगा। ऑप्शन है समबाहु होगा, विषमबाहु, समद्विबाहु या समरूप। देखिए फ्रेंड्स समबाहु का मतलब होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं, त्रिभुज मतलब क्या, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होता है, तो समबाहु मतलब इसके तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, लेकिन यहाँ भुजा बराबर तो है नहीं। विषमबाहु का मतलब होता है जिसमें इसकी तीनों भुजाएं बराबर न हो, और समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिसमें इसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो क्या होता है समद्विबाहु, तो जो कि यहाँ पे नहीं कुछ ऐसा कहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है समरूप। इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, तो इन त्रिभुज मतलब त्रिभुज होंगे, यानी कैसा त्रिभुज होगा, तो जैसे मतलब ये होता है कि इसी के समांतर एक रेखा खींचते, एक त्रिभुज ये बन गया, एक बड़ा वाला त्रिभुज बन गया, तो कह रहा है कि इसके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, बराबर है, तो उनके भुजाओं में अनुपात, जब फिर इस प्रकार से शब्द कहेगा तो इस समरूप त्रिभुज में ही ऐसा संभव है, इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर का सवाल को देखते हैं, आठवां नंबर का देखिए कैसे सवाल लगेगा। आठवां का देखिए इंग्लिश में लिखा है, अब नौवां नंबर का सवाल को देखते हैं। देखिए नौवां नंबर का सवाल कैसे लगाएंगे, इसको ट्रिक से भी लगा सकते हैं, आप इसे लांग विधि से भी लगा सकते हैं। तो पहले इसको आपको समझाते हैं कि इस सवाल को आपको लगाना कैसे। देखिए कह रहा है यक्स अक्ष पर स्थित एवं दो कमा माइनस पाँच माइनस दो कमा नौ से सम दूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स कहने का मतलब कि ये एक ऐसी रेखा है, ठीक है, इस पर कह रहा है कि यक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु, मान लीजिए इस बिंदु का नाम है दो कमा माइनस पाँच है, इसका माने दो का मान नौ है, इस पर कहीं एक बिंदु मान लीजिए सम दूरस्थ, मतलब क्या होता है समान दूरी पर, मतलब बीचों बीच स्थित है। फ्रेंड देखिए जब यक्स अक्ष पे कहेगा तो उस समय यक्स का मान आपको होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, जीरो लेना पड़ता है, तो यक्स का मान क्या लेंगे, जीरो लेंगे, यक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखिए ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं, इसके अलावा ट्रिक बताएंगे, लेकिन लास्ट में इसका ट्रिक बताएंगे। फ्रेंड्स पहले इसका लॉन्ग विधि देख लीजिए कैसे हल करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मान लेते ए है, बी है और सी है, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम, इसका मतलब हुआ कि ए बी के बीच की दूरी, बीच दूरी जो होगा बराबर होगा आपका बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स दूरी का फार्मूला आपको पता होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पता है, क्या होता है कि एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर होता है प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर। अब देखिए ये दूरी का मेन फार्मूला यही है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी थी, यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी थी। अब देखिए यहाँ पे यक्स वन मान लीजिएगा, इसे वाई वन मानिएगा, इसे यक्स टू, इसे वाई टू, इसे यक्स थ्री, इसे वाई थ्री मान लीजिएगा, मान लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स इसी फार्मूला बनाते, देखिए यक्स वन माइनस एक्स टू किए हैं, वाई वन माइनस वाई टू किए हैं, अगला बी सी के बीच की दूरी पर लगाना है, तो यहाँ पर क्या करें, यक्स टू माइनस यक्स थ्री कीजिएगा, यक्स टू माइनस यक्स थ्री का होल स्क्वायर कर लीजिएगा प्लस वाई टू माइनस वाई थ्री कर लीजिए, क्या करेंगे, वाई टू माइनस वाई थ्री का होल स्क्वायर, क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे होल स्क्वायर। अब इसी पे मार रख के हल कर लीजिए, देखिए कैसे हल करेंगे। अब फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, जब इधर भी कड़ी होगा इधर भी कड़ी होगा, तो इधर दोनों पक्षों का वर्क कर लीजिएगा, जब वर्क करेंगे तो ऐसे वर्क कर लीजिए दोनों पक्षों का, ठीक है, जब दोनों पक्ष में कड़ी रहेगा तो इसी तरह वर्क कर लेना है। अब फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, एक्स वन का मान दो है तो यहाँ पे दो रखिए, माइनस यक्स टू का मान कितना है, यक्स थ्री, यक्स के जो यहाँ पर होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस वाई वन का मान कितना है, माइनस पाँच है, माइनस वाई टू का मान जीरो है तो जीरो कर लीजिए, बराबर। यहाँ पे देखिए यक्स टू का मान कितना है, यक्स और माइनस, यक्स थ्री का मान कितना है, माइनस दो है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस कर देगा इसको होल स्क्वायर, प्लस वाई टू का मान जीरो है और माइनस वाई थ्री का मान कितना है, नौ, तो नौ का स्क्वायर कर लीजिए।
अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही ये वर्क करते हैं तो कड़ी हट जाता है आपका, क्या होगा कड़ी का मान हट जाता है। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला पे फार्मूला पे है ना, तो इसको क्या कीजिएगा कि आप विस्तार कर लीजिए। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाइए। देखिए a का स्क्वायर मतलब दूधना के 4 प्लस बी का स्क्वायर मतलब यक्स स्क्वायर माइनस दूधना के 4x हो जाएगा। प्लस देखिए 5 में से 0 घटाएंगे तो 0 5 बचेगा। अब माइनस 5 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तार कर लीजिए। देखिए a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दूधना के 4 हो जाएगा प्लस दूधना के 4x हो जाएगा। देखिए 9 में से 0 घटाएंगे 9 का 9 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 81 होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, इधर भी x इधर भी x, तो x स्क्वायर एक दूसरे से कट जाएंगे। अब फ्रेंड देखिए, 4 प्लस में तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आपका माइनस 4x हुआ और इस प्लस 4x को इधर पक्षांतर कर लीजिएगा। तो जब ये 4x इधर आएगा तो कितना माइनस 4x हो जाएगा, और प्लस 81 तो प्लस 81 रहने दीजिए, और प्लस 25 है तो इसे पक्षांतर इस साइड कर लीजिए तो माइनस 25 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा माइनस 8x। अब इसको घटा लीजिए, 11 में से 8 घटाएंगे कितना बचे, सॉरी दोस्तों 11 में से 5 घटा लीजिए तो कितना बचेगा आपका 6, फिर यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, तो 7 में सब घटा लीजिए, सॉरी दोस्तों 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, देखिए 7 में से 2 घटाएंगे वो बच गया यहाँ पे 5। देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा 56, 75 माइनस 8, 8 7 56, यक्स बराबर कितना होगा माइनस है तो माइनस 7 हो जाएगा। इसका मतलब यक्स का मान कितना आया माइनस 7। अब देखिए निर्देशांक में लिखना होगा, तो निर्देशांक देखिए बी के लिखना है तो बी का यक्स का मान कितना लिखेंगे आप माइनस 7, और वाई की जगह पे 0 है तो 0 लिख लेंगे, तो कितना आएगा निर्देशांक माइनस 7 का मान 0। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप ऑप्शन माइनस 7 का मान 0 देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या है आपका, हल्का सा ट्रिक देखिए, आपको समय नहीं रहेगा, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है ट्रिक से भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, यहाँ पे जब यक्स एच पे कहा है तो इसका मतलब यक्स का मान तो होगा लेकिन वाई का मान 0 होगा। तो पहले देखिए वाई का मान किस में 0 दिया है, देखिए वाई का मान इसमें 0 तो दिया नहीं, ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। वाई का मान इसमें भी नहीं दिया है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, आपके पास बोर्ड के एग्जाम में समय नहीं है तो आप कैसे लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 0 दिया है यहाँ पे 0, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस दे तो माइनस के हिसाब से आप ट्रिक लगा के लगा सकते हैं कि इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बोर्ड के एग्जाम में कम समय में, यदि नहीं समय है तो आप इस तरह ट्रिक लगा के लगा सकते हैं सवाल को। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, 10वां नंबर का देखिए आप, क्या है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, देखिए त्रिभुज यहाँ देखिए, पहले त्रिभुज बना लेते उसके बाद देखिए, मान लीजिए ABC, इसमें कहा कि ये AB जो है AC के बराबर है। तो किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण B कोण C के बराबर होगा। तो देखिए बराबर वाला कौन सा दिया, C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार के सवाल को आपको कैसे लगाना है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6, कड़ी में 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बी होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के सवाल आप बोर्ड के एग्जाम, यदि आपके पास समय नहीं रहेगा ट्रिक देख लीजिए कैसे लगाएंगे। जब ऐसा सवाल जब भी देगा और यहाँ पे कोण पूछेगा तो आप आँख मून के आप 90° जो लिखा रहेगा उसे ही लगा दीजिएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए करेक्ट तो हो रहा है लेकिन कैसे सही होगा उसको बता देते, इसको हल कैसे करेंगे आपको समझा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बी कोण पूछा है ना, ट्रिक तो समझ गए हैं कि आपका यदि 90° ऑप्शन में तो 90 वाला ही सही होगा। अब ये ट्रिक था, अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे बी का मान पूछा, ऐसे समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, यहाँ पे बी ले लीजिएगा इसलिए कि बी ही पूछ रहा है, इसके अलावा ए सी ले लीजिए। यहाँ पे देखिए ए बी का मान दिया है 6, कड़ी में 3, और बी सी का मान कितना दिया है 6, यहाँ पे ए सी का मान दिया है 12। अब फ्रेंड्स देखिएगा, आपका पता है ना कड़ ये कड़ होता है, कड़ का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कीजिए प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कीजिए प्लस इसके बाद लंब यानी 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, दोनों पक्ष यदि बराबर हो जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाएगा, और पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होता है तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस जो प्रमेय होता है केवल व केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता है। देखिए 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यह 6 का 36 और 36 का 3 में गुणा कर लीजिएगा कितना होगा फ्रेंड्स, 36 का 3 में गुणा कर लीजिए, चलिए कर लेते हैं,
3 × 6 = 18 त्रिगुणा 10 108 हो जाएगा, कितना होगा 108। अब जोड़ लीजिए, देखिए 144 हुआ, ये जोड़ेंगे 144, जैसे ही दोनों पक्ष बराबर होगा वैसे ही कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इतना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है बोर्ड के एग्जाम में। यदि ऐसा सवाल दे उसमें कोण पीछे पूछे तो आप डायरेक्ट बी वाला ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए बारहवां नंबर का सवाल क्या है फ्रेंड्स, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगा। यहाँ समबाहु त्रिभुज दिया है फ्रेंड्स ने, तो यहाँ पे फार्मूला याद रखिएगा, शीर्ष लंब की लंबाई या शीर्ष लंब को क्या कहते हैं, ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होता है फार्मूला होता है कड़ी में 3/2 गुणे भुजा होता है। ये डायरेक्ट याद रखेंगे तभी ये सवाल लगा पाएंगे। तो कड़ी में 3/2 कड़ी में 3 ये है गुणे भुजा, कितना दिया भुजा 2a दिया, तो यहाँ 2a रखिए, एक दो से दो कट जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो कितना एक कड़ी में 3 हो जाएगा। क्या होगा एक कड़ी में 3, ऑप्शन देखिए एक कड़ी में 3 कौन सा दिया, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 13वां नंबर का सवाल देखते हैं, क्या दिया है कि साइन ए बराबर कास ए हो तो ए का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको ये पढ़ाते समय पढ़ा भी चुके हैं, क्या है कि साइन ए है और कास ए को इधर पक्षांतर कीजिएगा हर में, तो ये कहा हो जाएगा कास नीचे आ जाएगा, कास ए और बराबर एक हो जाएगा। आपको पता है साइन ए बटा कास ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए, और टेन ए बराबर एक। और फ्रेंड्स देखिए टेन ए का मान कितने अंश का मान एक होता है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि टेन ए का मान जो होता है टेन 45 अंश के बराबर होता है, कितना अंश का 45 अंश का, टेन 45 अंश का मान क्या होता है एक। और जब दोनों पक्ष में जब ये टेन और टेन बराबर है, टेन टेन से हट जाता है तो ए बराबर कितना होगा 45 अंश। अब ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स 45 अंश लिखा कहाँ पे है, इसका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स 14 नंबर का सवाल कैसे हल करेंगे, ये भी आपको हल करके समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको तो लगाने का दो तरीका है, लेकिन आप पहले एक तरीका समझ लीजिए, क्या है कि ए का मान दिया है ना, यहाँ पे जो सवाल दिया है फ्रेंड्स देखिए कैसे हल करेंगे, 1 + tan यहाँ पर लिखिए tan स्क्वायर, ए की जगह कितना है 30 है तो 30 रख लीजिए, अपन 1 + cot स्क्वायर, ए की जगह 30 है तो 30 रखिए। अब इसका हल करिए, देखिए 1 + tan 30 अंश का मान कितना होता है फ्रेंड्स, 1/3 होता है पता होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, अपान 1 + cot 30 अंश का मान क्या होगा, टेन को उल्टा होता है कितना होगा 3 का स्क्वायर होगा। अब इसी को फ्रेंड्स आपको हल करना है, जितना जल्दी हल कर लेंगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए 1 + ये कितना हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखिए 3 × 3 / 3 3 एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, देखिए 3 × 4 / 3 और इसके बटा में कितना है 4 है ना, देखिए इसके बटा में 3 × 4 है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसको हल कैसे करेंगे, 4/3 यहाँ पे 1 ले सकते हैं समझने के लिए, जब भिन्न है तो ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब देखिए 4 × 4 क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को आपको ऐसे हल करके लगाना था। देखिए इसका ट्रिक कैसे आप लगा सकते हैं ट्रिक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा 1 + tan स्क्वायर ए है, दूसरा तरीका देख लीजिए 1 + cot ए को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, cot ए को लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जैसे लगाना होगा वैसे लगाइएगा फ्रेंड्स जैसे आपको पसंद आए। देखिए 1 + tan स्क्वायर ए अपन, देखिए जब इसका एक में गुणा कर लेंगे तिरियक तो tan स्क्वायर ए प्लस 1/ यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर होगा tan स्क्वायर ए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है कि 1 + tan स्क्वायर ए अपा, देखिए जब बटा के बटा होता tan स्क्वायर ए रहेगा, ये tan स्क्वायर ए रहेगा प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये पलटेगा तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए ये पूरा कट जाएगा tan ए, ए का मान कितना दिया 30 अंश tan 30 अंश का मान कितना होता है फ्रेंड्स, अभी आपको बताएगा tan 30 अंश का 1/3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, इसका 1 का स्क्वायर 1 और 3 का करेंगे तो 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी वाला। तो फ्रेंड्स चाहे आप इस विधि से लगाइएगा चाहे इस विधि से आपका आंसर सेम आएगा, समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए 15वां नंबर का सवाल क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या, ठीक है त्रिज्या देखिए दो गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, आपको यही बताना है। तो फ्रेंड्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल सीधे लिख रहे हैं, ठीक है क्या होता है फ्रेंड्स 4 pi
आर स्क्वायर, क्या होता है 4πr² होता है। अब फ्रेंड्स देखिए कह रहा है पहले त्रिज्या, मान लेते पहले त्रिज्या आपका क्या रहा होगा, त्रिज्या पहले मान लीजिए कि आर है, क्या है पहले त्रिज्या आर है। अब दूसरी जब कह रहा है कि उसके गोले की त्रिज्या का 2r कर दे, कितना कर दे 2r, तो मतलब पहले r था अब कितना कर रहा है 2r। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, क्षेत्रफल बराबर पहले तो फार्मूला ये है कि 4π, जब r था तो आपका ये है, अब क्या कर रहा है कि r के जगह पे त्रिज्या क्या कर दिया दुगुना, तो यहाँ पे r के जगह कितना लिखे 2r का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4π दुगुना के 4r², यहाँ पर कितना होगा 4 × 16π r². अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर रहा है कि उसमें कितना का वृद्धि होगा, तो वृद्धि मतलब क्या होता है कि ये पहले इसमें से इसको घटाइए, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा वृद्धि, जब फ्रेंड्स वृद्धि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 16π r² माइनस 4π r², तो घटा लीजिए कितना होगा 12π r² होगा, ठीक है। अब इसे प्रतिशत बताना है फ्रेंड्स, देखिए आपका अंतर तो इतना आया है, अब देखिए कितना में पहले तो स्टार्टिंग कितना था इतना, इसको बटा में कीजिएगा, बटा में 4π r², और जब प्रतिशत बदलना तो 100 से यहाँ पे गुणा कर लीजिए, देखिए यहाँ से r से r कटेगा, ये इससे कटेगा, 4 × 4 = 12, 3 का करेंगे तो 300% में होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा 300% हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया ना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इस सवाल को यदि लगाना रहता आपको डायरेक्ट ना, तो पहले आर था, देखिए अब इसका ट्रिक समझ लीजिए कैसे ट्रिक्स लगाएंगे, सिंपल ट्रिक है फ्रेंड्स इसका, ठीक है समय नहीं बर्बाद होगा पेपर में। देखिए पहले आपका त्रिज्या आर था, उसको कह रहा 2r कर दिया, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है पहले आर है, तो मतलब इसका आर स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 × 4 r² हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स कि घटा लीजिएगा, कितना होगा 4 में से तो 2 हो जाए, अरे 4 में से r² घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना। अब देखिए भाई 3 है ना, इसमें देखिए ऑप्शन में कहीं 3 दिया है नहीं दिया है, इस ऑप्शन में देखेंगे ध्यान से 3 दिया है नहीं, यहाँ पे दिया भी है तो 300%, देखिए इसका मतलब 3 इसके साथ नहीं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा 300%। तो आपको इतना लॉन्ग विधि न लगाने की जरूरत थी, आपको इसे शॉर्ट विधि से भी लगा सकते थे, दोनों विधि साथ में बता दिए फ्रेंड्स, आप इसको बोर्ड के एग्जाम में लगा लीजिएगा। अब फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल देखिए यहाँ पर क्या है 16वां नंबर का, कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। देखिए फ्रेंड्स आप एक चीज़ याद रखिएगा कि त्रिज्याओं का अनुपात, जैसे r1/r2 लेते हैं, ये व्यास को किससे दिखाते हैं d से दिखाते हैं, d1/d2, ये कितना है 4/9। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि व्यास का अनुपात हो चाहे त्रिज्या का अनुपात हो, तो वो आपस में क्या होता है बराबर होता है, ये बराबर हो गया। अब करा वृत्ति के परिधियों में अनुपात होगा, परिधि का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए परिधि आपको परिधि का वृत्त के परिधि का फार्मूला पता होगा, 1 ये परिधि को दूसरा ले लेते हैं परिधि, सेकेंड देखिए फार्मूला क्या होता है 2πr, 2πr मेन फार्मूला होता है 1 है तो यहाँ पे r1 हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा, देखिए ये इससे कट जाएगा, इसका मतलब r1/r2, यहाँ पे r1/r2 का मान कितना है 4/9 ही आ रहा है ना, यहाँ पे कितना होगा आपको देख लीजिए यहाँ पे 4/9 होगा, इसे अनुपात में लिखना रहेगा 4:9, कितना लिखेंगे 4:9। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया ना। इस तरह सवालों को फ्रेंड्स बोर्ड के एग्जाम में आपको लगाना रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपका 9वां नंबर का सवाल है, देखिए इस सवाल को आप कैसे बोर्ड के एग्जाम में लगाएंगे इसको ध्यान दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स आपका सवाल क्या है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, आपको क्या ज्ञात करना है माध्य, ये वर्ग अंतराल बारंबारता है, इसमें से इसका आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसको पहले से यहाँ से बना लिए हैं जिससे आपका कम से कम समय बर्बाद हो, जब भी माध्य ज्ञात करना है तो मध्य पद ज्ञात करना होगा। मध्य पद ज्ञात कैसे होता है फ्रेंड्स कि देखिए इधर का मान होता है L1, इधर का मान होता है L2, तो यहाँ पर जब ज्ञात करना होता है मध्य पद x का मान इन दोनों को जोड़ेंगे 0+2 और बटा कितना लेंगे 2 / 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। अब देखिए फ्रेंड्स जब 1 आ गया सबका निकाले इसी तरह 4 × 2 = 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 3, ठीक है 6 × 4 = 10, 10 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 5 होगा, 8 × 6 = 14, 14 में भाग देंगे 7, ठीक है 10 × 18 कितना होगा 9। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मध्य पद पहले निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे देंगे आपका निकल जाएगा। अब अगला पद में होता है कि एफ गुणा एक्स निकालना पड़ता है, 3 का गुणा 1 में कीजिए 3 × 1 = 3, 1 का गुणा 3 में कीजिए 3, 5 का गुणा 5 में करेंगे 50, 25, 4 का गुणा 7 में 7 = 28,
सात को गुणा नौ में, नौ सात तिरसठ। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं सिग्मा एफ निकालेंगे, यानी इन सबको जोड़ लीजिए। देखिए तीन एक चार, चार पाँच नौ, नौ चार तेरह, तेरह और सात कितना हो जाएगा, तेरह सात बीस, कितना होगा फ्रेंड्स यहाँ पे बीस कर लीजिए। अब अगला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स निकालना होता है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब सबको जोड़ लीजिए, तीन तीन छः, छः पाँच ग्यारह, ग्यारह और आठ उन्नीस, उन्नीस और उन्नीस में तीन जोड़ दीजिए बाईस, बाईस को दो हो जाएगा, बाईस को कितना होगा दो। अब देखिए दो दो चार, छः चार दस, दस दो बारह, छः चार, छः चार दस दो बारह, कितना हो जाएगा बारह, यानी कितना हुआ आपका 122 हुआ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इसको सही से जोड़िए पहले तो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया 122। अब यहाँ पे सिग्मा, देखिए माध्य बराबर होता है फार्मूला सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स का मान 122 और यहाँ पे सिग्मा का मान 20। देखिए इसको आप हल कर लीजिए, देखिए दो से कटाइए, दो छः का बार दो एक दो दस बार में, ये इकसठ बटा के दस, दस का भाग देंगे कितना होगा छः दशमलव एक, कितना आएगा छः दशमलव एक आएगा। ऑप्शन में देखिए छः दशमलव एक कहाँ पे है, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर का सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 18 नंबर का सवाल क्या है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है, उसका माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे, पहले यहाँ पर इसका फार्मूला लिखिए। देखिए बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है तीन गुणे माध्यक, क्या होता है तीन गुणे माध्यक माइनस दो गुणे माध्य, ये फार्मूला होता है फ्रेंड। अब इसी पे क्या कीजिए, मान को रख लीजिए, बहुलक दिया है आपका 28, तीन गुणे माध्यक पूछ रहे थे, यहाँ माध्यक रहने दीजिए, माइनस दो गुणे माध्य कितना दिया आपका 24.1 हुआ। देखिए 28 तीन गुणे माध्यक, अब गुणा कर लीजिए, देखिए दो एक दो, दो चौक आठ, दो दुना के चार, 48.2 है। अब पच्छांतर कर लीजिए, जब इधर पच्छांतर करेंगे दो 28 ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा 48.2 तीन गुणे माध्यक, अब जोड़ लीजिए तो आठ आठ कितना हो जाएगा 16, चार दो छः एक सात, 76.2 ये तीन गुणे माध्यक। ठीक है, यहाँ माध्यक है, तीन का पच्छांतर तीन भाग दे लीजिए, तीन का भाग दीजिए फ्रेंड्स, देखिए कितना हो रहा है तीन दुना के तीन, तीन दुना के छः हो जाएगा। ठीक है, आसिफ पन सोलह हो जाए, तीन पचे पंद्रह, तीन चौको बारह, यानी कितना है माध्यक 25.4, ये माध्यक हुआ आपका कितना 25.4। तो ऑप्शन देखिए 25.4 कहाँ पे दिया, इसका सी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आप अगला नंबर का सवाल क्या है, 19 नंबर का, देखिए क्या है यहाँ पर, वर्ग अंतराल दिया है, ये यहाँ पे बारंबारता दिया है, इसमें पूछ रहा बहुलक वर्ग कौन सा होगा। देखिए फ्रेंड जो बारंबारता दिया है उस बारंबारता में देखिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सा आपका है, जब सबसे बड़ी 11, 21, 23, 14, 15 में सबसे बड़ा संख्या देखेंगे 23 है और बहुलक वर्ग यहाँ पूछा है, तो 23 के ऊपर कौन सा बहुलक वर्ग 20 और 30, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 20 और 30, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल को लगाना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल है जो 20वां नंबर का है। देखिए क्या है सवाल कि इसमें कह रहा है माध्य, माध्य हुआ, माध्यक हुआ और बहुलक के बीच में संबंध आपसे पूछ रहा है कि इसका संबंध क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए इसका फार्मूला अभी बताएं कि बहुलक बराबर तीन गुणे माध्यक माने दो गुणे माध्य, इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब फ्रेंड्स चलिए आपको खंड ब के कुछ प्रश्न बताते हैं। फ्रेंड्स खंड ब के सभी प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंड्स ये खंड ब आपका टोटल 50 नंबर का रहेगा। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि इसका जो डिटेल वीडियो पूरा हल करके आपको पार्ट टू जब अपलोड करेंगे तो उसमें सभी प्रश्नों को हल करके बताएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ इन प्रश्नों को देख लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है कि सभी खंड करना है, सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए और इसको आप हल भी कीजिएगा। देखिए प्रत्येक प्रश्न क्या है, दो दो नंबर का है। यहाँ पे आपका टोटल 6 प्रश्न है जो प्रत्येक दो दो नंबर का है। आप सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे उसी का एक इंग्लिश लिखा है, तो आपको सिर्फ हिंदी वाला ही भाग करना है, इंग्लिश वाला नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना है। चलिए अगले नंबर के प्रश्न को बताते हैं। देखिए दूसरा नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। यहाँ पे आपके 6 प्रश्न है, ठीक है, टोटल कितने प्रश्न है फ्रेंड्स, 6 प्रश्न है, इसमें से 5 हल करना है, जो प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। इन प्रश्नों को देखिए, इसको हल कीजिए।
फ्रेंड्स इसके बाद इसका नीचे पे इंग्लिश दिया है तो इंग्लिश वाला भाग तो करना नहीं है। चलिए अगले नंबर का सवाल को आपको दिखा देते हैं। आपका तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए फ्रेंड्स प्रत्येक प्रश्न अब 6 नंबर का स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये दो सवाल इस प्रकार से देगा, इन दोनों में से किसी एक ही भाग को आपको हल करना रहता है और एक 6 नंबर का रहेगा प्रश्न। अब देखिए फ्रेंड्स इंग्लिश वाला छोड़ना है आपको, हिंदी वाला सिर्फ करना है। देखिए हिंदी में ये आपका है 4 नंबर का, ये भी आपका 6 नंबर का है, अथवा में करके दिया ये प्रश्न कीजिए या इसके अलावा ये प्रश्न कीजिए। अगले प्रश्न को दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए आपका 5वां नंबर का जो सवाल है ये भी देखिए कितने नंबर का है, 5वां नंबर का, ये भी आपका 6 नंबर का है, अथवा में दिया है ये प्रश्न कीजिएगा या इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न आपको हल करना है। तो फ्रेंड्स ये पूरा इसका क्या था आपका पेपर का पूरा यहाँ पर सोल्यूशन पार्ट 2 में आ जाएगा, पार्ट 1 में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कराए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।